भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी था, उसके मन में आया, समुद्र के किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, जा रहा था, उस आदमी के मन में आया कि यार चलो आज समुद्र पर बोटिंग करते हैं, नाव चलाते हैं। आ गया उसके मन में, उसने कहा कि ठीक है। वह गया समुद्र के पास, नाव उठाई और बोले चलो आज नाव से समुद्र का सैर सपाटा करते, आनंद बटोरते, इन लहरों का आनंद देखते हैं। और जाकर के वह उसमें बैठ गया। जैसे ही नाव आगे बढ़ी, लहरों के हिचकोले खाते हुए, जोले खाते हुए नाव आगे बढ़ते जा रही है, क्या देखता है थोड़ी देर में, जैसे समुद्र के आगे पहुंचा और एक आध किलोमीटर दूर पहुंच गया, नाव चलाते चलाते समुद्र में तूफान आ गया जोरों से। अब जैसे तूफान आया, आप भी कहते हो ना कि महाराज बहुत से काम करते हैं, कई बार काम करो, करते करते लास्ट में कचरा हो जाता, हमारा काम बिगड़ जाता है, सोचा हुआ हमारा सब बेकार हो जाता, हमारे काम में बाधा खड़ी हो जाती है, अंतराय आ जाता है। वह भी आनंद के लिए गया था, अचानक तूफान आ गया, क्या करे अब, समुन्दर में तूफान है, नदी नालों का तूफान हो तो किनारा जल्दी मिल जाए, समुन्दर में कहां किनारा मिलेगा। नाव चलाते जा रहा, तूफान आया, नाव डगमगाई, लहरों में उलझ गई। उसने क्या किया, एक लाइफ जैकेट होती है, फट से नाव में से निकाली और पहन ली और कूद गया समुद्र में। अब उस जैकेट पहनने के बाद डूब तो सकता नहीं है, तूफान में हिचकोले खा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, चला जा रहा, बहते जा रहा है। बहते बहते क्या हुआ, वो एक टापू पर पहुंच गया। धीरे धीरे बहते बहते एक टीला बना हुआ था, एक टापू बना हुआ था, वहां पर पहुंच गया। जाकर के उसने देखा कि अरे मुझे तो समुंदर के बीच में किनारा मिल गया, बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वरना समुंदर में कूदा हुआ कभी कोई बचता है क्या इंसान, अथाह जल राशि है, भगवान को धन्यवाद दिया, भरोसा है मेरा तुझ पर, तू मुझे निकाल लेगा, तू मुझे उबार लेगा, तू मेरी नैया किनारे लगा देगा। बड़ा खुश हुआ। एक दिन हो गए, दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, क्या खाए, उस टापू पर जो फल वगैरह लगे थे वो खा लेता था। उसने कहा भगवान तूने मुझे यहां फल की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कितने दिन रहेगा उस टापू पर, वहां तो कोई ना आता है और ना जाता है, अकेला बैठा है, दिन भर समुंदर को देखते रहता है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं, भयानक लगने लगा उसे रहते रहते। उसने कहा भगवान अब मैं इतना बड़ा समुद्र तैर के भी नहीं जा सकता हूं, टापू तो समुंदर के बीच में था, जाऊंगा कैसे, मैं कहां जाऊंगा। घबरा गया, आदमी की जिंदगी भी कभी कभी ऐसे मोड़ पर चली जाती है, उसे चारों तरफ से रास्ता दिखाई नहीं देता है, मन बेचैन हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, मन में उथल पुथल मच जाती है, अब मैं करूं तो क्या करूं, जीऊं या मरूं, कुछ समझ नहीं आता है। वह आदमी बड़ा सोच में पड़ गया, क्या किया जाए, फिर भी उसने भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा, ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा, हे भगवान यदि तूने मुझे बचाया है तो इसमें मेरा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, मैं जैसे भी मेहनत करके जैसे भी इस टापू के किनारे आया हूं, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरा पुरुषार्थ। एक बात ध्यान रखना, भगवान पर भरोसा करो या ना करो, आदमी को अपनी मेहनत पे भरोसा जरूर करना चाहिए, यदि मेहनत पे भरोसा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाता है, सत्कर्म कभी बेकार नहीं जाते हैं। उस आदमी ने कहा मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, किसी की कृपा पे भरोसा हो या
ना हो। वह मेहनत पे भरोसा करते करते वहां रह रहा। उसने कहा, यार ऐसे खुले आसमान के नीचे मैं कब तक पड़ा रहूंगा। क्या किया उसने, वहां की घास फूस को लिया, टीले की लकड़ियों को इकट्ठा किया, और उस आदमी ने क्या किया, एक झोपड़ी बना ली कि अब जब जो होगा होगा, भगवान मुझे फल फूल तो खाने को दे ही रहा है, आराम से चलो इसी झोपड़ी में रहते हैं, मरना नहीं है जीना है। उस आदमी ने झोपड़ी का निर्माण किया, चलो आज की रात बड़े अच्छे से झोपड़ी में कटेगी, आज की रात चैन से सो जाऊंगा झोपड़ी के अंदर। हुआ क्या, जैसी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने जा रहा था, बिजली चमकी, पानी गिरा और बिजली आकर के झोपड़ी पर गिर गई। जैसे ही झोपड़ी पर गिरी, झोपड़ी धू धू करके जलने लगी। उसने कहा, वाह भगवान, जैसे तैसे किनारा दिया, अब मैंने यहां रहने का मन बनाया तो तूने मेरे झोपड़े में आग लगा दी। फिर भी उसने कहा, कुछ तो अच्छा ही होगा, झोपड़ी जल गई तो जल गई, कुछ तो अच्छा होगा, भगवान की तरफ देखा। लेकिन मनुष्य का मन है थोड़ा सा विचलित हो गया, कितनी मेहनत से झोपड़ी बनाई, और हमने सुना था कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता, आज तो मेरी झोपड़ी ही जल गई। इतना सोच रहा है, पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख करके हाथ को फैलाया कि परमात्मा मेरे जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा मत ले, मेरा तुझ पर बहुत विश्वास है। वह प्रार्थना ही कर रहा था कि पीछे से आवाज आई किसी आदमी की। उसने कहा कि ए भाई जल्दी आ, हम तुझे जहाज में लेने आए हैं। उसने कहा, मुझे लेने आए, कौन हो तुम, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता हूं, तुम मुझे कैसे लेने आए हो। बोले, हम समुद्र के किनारे, हमारा जहाज जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि इस टापू पर, इस टीले पर आग की लपटें उठ रही हैं, तो हमने सोचा कि टापू पर आग कहां से आई, आग की लपटें उठ रही, इसका मतलब हमने यही विचार किया कि कोई हमें इशारा कर रहा है कि हम यहां फंसे हैं, आओ और हमें निकाल करके ले जा। हम आग की लपटों को देख करके आ गए, ये धू धू करके जो धुआं उठ रहा है, यह सोच करके हम यहां आ गए, हम जहाज लेकर आए हैं, आओ और हमारे जहाज में बैठो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उस आदमी ने परमात्मा की तरफ देखा और कहा, हे परमात्मा, आज समझ में आया कि हर श्वास में तेरा विश्वास होना चाहिए, यदि विश्वास है तो हमारे जीवन के सब कार्य संपन्न हो जाया कर। पहले तो सोच रहा था कि तूने मेरी झोपड़ी जला दी, और अब सोच रहा है कि तू झोपड़ी नहीं जलाता तो कोई मुझे किनारे ले जाने वाला भी नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है, मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, कांटों में भी फूल खिल जाया करते हैं, लेकिन हमारे अंदर धैर्य नहीं है, हमारे अंदर साहस नहीं है, हमारे अंदर अधीरता मौजूद है। हम चाहते हैं कि आज ही कर्म करें और आज ही फल की प्राप्ति हो जाए, नहीं, वक्त लगता है, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, और माली सींचे सौ घड़ा रुत आवे फल। यदि कोई माली किसी पेड़ में 100 घड़े पानी डाल दे तो क्या फल आ जाएंगे, फल तो उसके मौसम पर ही आते हैं, उसकी ऋतु पर ही आया करते हैं। तो हम जो भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, ध्यान रखना ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, इस बात पर विश्वास रखो, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इस बात पर विश्वास रखिए। मेहनत क्यों बेकार जाएगी, आप आए हैं मेहनत करके आए हैं, पूजन करने के लिए आए हैं, अपने द्रव्य का आपने दान दिया है, अपने आप को पुण्य में लगाने का अवसर प्राप्त किया है, व्यापार बिजनेस सब नजर अंदाज करके बोले चलो आज हमारी तरफ से विधान है, आज घर परिवार छोड़कर जिन शरणम में हमें जाना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान की, ये क्या है, ये श्रद्धा है, ये मेहनत है, ये भक्ति है। तो ध्यान रखना, ये भक्ति रंग जरूर लाया करती है, क्या नहीं है हमारे पास, सब कुछ तो है,
किस चीज की कमी है। कमियों पर दृष्टि रखोगे तो कभी पूर्ति नहीं होगी, और जो मिला है उस पर दृष्टि रखो तो लगेगा हमसे ज्यादा सुखी संसार में कोई और नहीं हो सकता है। क्या करना है? इतना सब कुछ करके लास्ट में ध्यान रखना, कितने भी झगड़े हो जाएं, विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए, विद्वेष हो जाए, आखिरी में आदमी को कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। पति पत्नी में झगड़े हो जाएं, लास्ट में क्या फैसला देगी अदालत? तुम लोग आपस में समझ लो, आपस में सुलझा लो, समझौता करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, बाप बेटे में विवाद हो जाए, मां बेटे में विवाद हो जाए, सास बहू में विवाद हो जाए, किसी से भी लड़कर देख लेना, उस लड़ाई का अंत किससे होता है? लड़ाई का अंत समझौते से हुआ करता है कि समझौता कर लीजिए, बैठ लीजिए, अपनी बात तुम बोल लो, तुम्हारी बातें हम बोल लें, दोनों की गलत फहमियां दूर हो जाए, फिर से मन हमारा पवित्र हो जाए। पवित्रता ध्यान रखना, जब हर चीज का हमें समझौता ही करना है तो फिर शुरू से ही समझौता करके क्यों नहीं जिया करते हैं? जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। गरीबी है, पैसा नहीं है, फिर जीना तो उसी में पड़ेगा ना, उसे छोड़ के तो भाग नहीं सकते ना, स्थिति तो वही रहेगी ना। हमारे सोचने से क्या होता है विचार करिए, हमारे अभाव है, ये चीज हमारे पास नहीं है। अब ये सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, तनाव में रहोगे, दुख में रहोगे, अशांत रहोगे, आपके सोचने से परिस्थिति तो नहीं बदलती है ना, परिस्थिति तो वही रहेंगी। जीना हमें उन्हीं ख्यालात में है, जीना हमें उन्हीं हालातों में है, फिर अपने जीवन को अशांत नहीं बनाए। भगवान की वीतराग छवि मुद्रा देख करके अपने, देखो ना भगवान का चेहरा देखो, भगवान की वीतराग दिगंबरत्व देखो, हर परिस्थिति में एक से बैठे हुए हैं। दुख आए तो भी वैसे ही बैठे हैं, सुख आए तो भी वैसे ही बैठे हैं, सुख आएंगे जाएंगे, लेकिन परमात्मा का स्वरूप तो यही रहेगा। समुंदर तो समुंदर रहता है, लहरें बनती हैं और मिटती रहती हैं, फिर लहरें उठेंगी, फिर लहरें मिट जाएंगी, समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। समुंदर को अच्छा बोलो तो भी उसको अपनी मस्ती में जीना है, समुंदर को बुरा बोलो तो भी उसे अपनी मस्ती में जीना है। लोग क्या कहते हैं, समुंदर इसकी परवाह नहीं किया करता है। अपने जीवन को भी समझने का प्रयास करें, ज्यादा लंबा जीवन नहीं है, छोटा सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन है, कल का भरोसा नहीं है। लेकिन क्या करता है आदमी, सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, कितने कोरोना में दुनिया से विदा हो गए, चले गए जवान जवान, जो सोच कर जी रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये करना है, सोच धरी रह गई और वो आदमी दुनिया से चला गया। सबका नंबर एक दिन, एक ना एक दिन सबका ही आना है। क्या क्या ख्याल लेकर बैठते हैं, अरे शांति से जियो, शांति से मरो, यही जीवन की सार्थकता और सफलता है। शांति ही हमारा सुख का साधन है। बहुत कर लिया जीवन में, बहुत बटोर लिया, सबके लिए सब कुछ कर दिया, अब केवल अपनी शांति को स्थापित करने का प्रयास करिए। मैं कैसे शांत रह सकता हूं, मैं कैसे आनंद में जी सकता हूं, दौलत की ढेर के ढेर लगे हैं और अशांति में जीवन जी रहा है, तो वह दौलत किसी काम की नहीं हुआ करती है। क्या मतलब इस सब वैभव का, यदि मन अशांत है? ध्यान रखना, मन अशांत है और सब कुछ अच्छे हैं तो हमारे किसी काम के नहीं हुआ करते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम संतों के पास ना धन ना दौलत ना रुपया ना पैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, हमारे पास केवल एक ही चीज है, हर हाल में हम खुश रहा करते हैं, आनंद में रहा करते हैं, प्रसन्नता में रहा करते हैं। यही वजह है कि तुम लोग सभी संतों के, कहते ना आज महाराज के पास बैठे बड़ा अच्छा लगा, क्या दे दिया महाराज ने, क्या दिया तुमको, क्या लिया तुमने महाराज से? कुछ नहीं लिया, ना लिया और ना, फिर उनके पास बैठ के आनंद क्यों आता है, फिर उनके चरणों में बैठ के मजा क्यों आता है, विचार करिए। फिर क्या मिल जाता है उनके पास बैठ करके, क्या देते, कोई सामान तो लेते देते नहीं है, आए तुमने नमोस्तु किया, उनने आशीर्वाद दे दिया। अब आशीर्वाद में क्या, नोट मिल गए, रुपया मिल गया, मकान मिल गया, क्या मिल गया,
कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हकीकत में देखा जाए तो जिंदगी हमारी नहीं, जिंदगी तो इन संतों की हुआ करती है, जीवन तो ये लोग जिया करते हैं, आनंद तो इनके चेहरे पर हुआ करता है। तुम्हारे पास सब है और दुखी हो, हमारे पास कुछ नहीं और हम सुखी हैं, तो ऐसा लगता है ये जो सब है ना, बस वही तुम्हारे दुख का कारण है। उस सब से छूट जाओ, अपनी मस्ती में लीन रहो। ध्यान रखना, जो हर व्यक्ति अपने घर का एक एक सदस्य अपना अपना भाग्य लेकर आता है, कौन किसी का लेता है, कौन किसी को देता है। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, धक तेरे की जो होगा वो होगा, तू काहे को परेशान हो रहा, तेरी जिंदगी तो ठिकाने लग गई ना, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। ध्यान रखना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि कपूत औलाद है तो पूरी जिंदगी भी नेछावर कर दो तो क्या मिलेगा तुमको, बर्बाद करके रख देगा। और सपूत है ना, कुछ भी मत दो तो सबसे खड़ा हो करके बना देगा। विचार करिए, सोचना है आपको, विचार करना है। जीवन को बड़ी अच्छे से जियो, चंद सांसें बची हैं, छोटा सा जीवन बचा है, ऐसे छोड़ो इस शरीर को, तनाव के साथ मत छोड़ो। ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ना जैसे सांप कैचली छोड़ दिया करता है, आराम से शरीर को छोड़ करके अपने जीवन को नया बना लिया करता है, ऐसे इस शरीर को छोड़ो। ना पूजा करी, पाठ किया, विधान किया, सब कुछ किया, मन दुखी का दुखी, मन अशांत का अशांत, तो क्या मिला हमें अपने जीवन से? सुख शांति चाहिए बस, सब कुछ है। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब चीज है, अपने अपने कर्मों से सब प्राप्त करेंगे। कोई किसी का भाग्य नहीं बन सकता, कोई किसी का दुर्भाग्य नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, ये जिंदगी केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, तुम कहाँ के, हम कहाँ के, एक परिवार में आकर के रहने लगे, विचार करिए, तुम कौन सी गति से आए थे, पति कौन सी गति से आए थे, बेटा कौन सी गति से आया, पोते कौन सी गति से आए, बहुएं कौन सी गति से आई। सबके आने का स्टेशन अपना अपना अलग है, और सबके जाने का भी स्टेशन अपना अपना अलग होता है। दुनिया भर का तनाव क्यों लेकर के जिए, आनंद के साथ जिए। जो प्रभु ने दिया है बस वो कृपा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह, राजी रहो ना, जो है खुश रहो उसमें आनंद के साथ। नहीं तो क्या मतलब पूरा जीवन लगा दिया अपन ने परिवार में, घर गृहस्थी में, क्या मिला अपने को? वही जो एक अभाव वाला जीवन जीते हैं, वैसे ही हम सद्भाव वाला भी वैसा ही जीवन जिए तो हमारे वैभव का फिर कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। आनंद से भगवान का नाम लो, सारी चिंता छोड़ो। मम्मी जरा ध्यान दो इधर, तुमको बोल रहे हैं हम, सब दुनिया का टेंशन हटाओ और प्रभु का नाम लो, दाल रोटी खाइए और प्रभु का नाम गाइए। क्या करना अपने को, सब आशीष का भाग्य आशीष के हाथ है, कमल का भाग कमल के हाथ है, बच्चों का भाग्य बच्चों के। हम भाग्य विधाता हैं क्या किसी के? हम किसी का लेख बदल सकते हैं क्या? हम किसी के कर्मों को बदल सकते हैं क्या? व्यर्थ का क्यों ऐसी भ्रांतियां लेकर के जीना, सब अपना अपना पुण्य लेकर आए हैं। बाबूजी आए थे सूरत में, क्या लेकर आए थे? इतना बड़ा वैभव खड़ा करके एक व्यक्ति चला जाता है, इतनी बड़ी संपदा खड़ी करके एक व्यक्ति चला जाता है, उनकी चिंता करने वाले कौन थे? उन्होंने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया है, अपने हौसलों की दम पर किया, समाज में एक प्रतिष्ठा बनाई अपने दम पर बनाई। उनने तो किसी की सहायता नहीं ली, उनने तो किसी की हेल्प नहीं ली, अपने दम पर अपना वजूद खड़ा करेंगे अपने बच्चे, अपने दम पर अपनी स्थिति बनाएंगे, अपनी सम्मानजनक स्थिति वो खुद बनाएंगे। दुनिया की चिंता मत करो, बस प्रभु नाम जपते रहो, सांसों की माला में भगवान का नाम लेते रहो। ध्यान रखना, इनका जीवन ये जी लेंगे, अपना जीवन थोड़ा बचा है, आने वाले की तैयारी करो। ध्यान रखना, सोचना है आपको, मुझे मालूम है ना कि बाबूजी का जीवन, जब मील में आग लगी थी
मैं था राजस्थान में, कैसा व्यक्तित्व था उनका। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि बाबूजी क्या हो रहा है, बोले कुछ नहीं महाराज, नींव मील जल रही है। और मैंने कहा आप इतने शांत खड़े हैं, आप इतने आनंद से मुझसे बात कर रहे हैं, और मालूम है उन्होंने क्या बोला, एक शब्द बोलो शायद बड़े बड़े संत भी नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, आपका आशीर्वाद है, कुछ पत्ते झर गए हैं फिर नए आ जाएंगे। इतना बड़ा विश्वास लेकर के कोई जीता है, कुछ पत्ते ही तो झरे फिर नए आ जाएंगे, आपका आशीर्वाद हमारे। इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा व्यक्तित्व। दौलत कमाना बड़ी बात नहीं होती मेरे भाई, जीवन में ऐसे सद्गुणों को पैदा करना बहुत बड़ी बात हुआ करती है, हिम्मत की बात। उन्होंने अपना जीवन जिस शान से जिया, और जब वो गए दुनिया से विदा हुए, पूरा सूरत हजारों की तादाद में उनकी अंतिम यात्रा में साथ। मालूम है पैसा कमाया ये कोई नहीं देखता है, दौलत कमाई ये कोई नहीं देखता है, तुम्हारी यात्रा में पीछे पीछे कितने आंखें भर करके चली हैं, जीवन का असली कमाई वो हुआ करती है। तुम्हारे नाम लेकर कौन तुम्हें याद करता है, जीवन की असली कमाई वो हुआ करती है। हम अपने घर में अपने परिवार बच्चे बे नाती पोतों के बीच हम कैसा अपना स्थान बना सके हैं, यह उनकी कमाई हुआ करती है। जीवन की ध्यान रखना, हमारे विरह में हमारी बहुओं की आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, हमारे दूर होते बच्चों को बेचैनी होना लगा, ये कमाई है। रुपया पैसा कमाई थोड़ी है, रुपया पैसा तो कोई भी कमा लेता है। हमने कितनी अच्छी जगह बनाई, किस स्थान पर आज बाबूजी आपके परिवार को स्थापित करके गए हैं। जिंदगी बीत जाती है तब समाज में स्थान प्राप्त हुआ करता है, लाखों की दौलत लुटाओ तो भी ये स्थान प्राप्त नहीं हुआ करता। बस उस स्थान को, उनके व्यक्तित्व को, उनके आचरण को याद करो अपने जीवन में, कैसे शान के साथ जिए और शान से विदा हुए। अस्पतालों में सड़ते रहते हैं लोग, ऑक्सीजन को तरसते रहते हैं लोग, बीमारियों में यहाँ इंजेक्शन वहाँ इंजेक्शन वहाँ बाटल लगती रहती है, एक मिनट पहले मुझसे आशीर्वाद लेते हैं और एक मिनट बाद दुनिया से विदा। ये शान, ऐसे शान से कोई जाता है दुनिया में? तड़पते हैं लोग मौत के लिए, वो ना जिंदगी के लिए तड़पे ना मौत के लिए तड़पे, चलते चलते ध्यान रखना लोग तो विदा करते हैं तो अस्पताल से जाते हैं, वो तो संतों का आशीर्वाद लेकर के दुनिया से विदा हुए। ऐसा ऐसा जीवन हमारा भी होना चाहिए, वो कभी विपरीत परिस्थिति में घबराए नहीं, उन्होंने कभी अपने हौसले नहीं छोड़े, उन्होंने कभी अपने परिवार के बीच चार बातें होती रहती हैं, उन्होंने अपना कभी भी अपने दायित्व और कर्तव्य नहीं छोड़े। बस उसको याद रखो, उन्हें जैसा व्यक्तित्व अपना बनाओ, ये जीवन का जो क्षण है वह शांति के साथ हमारा व्यतीत हो जाएगा। जैसी उनकी मृत्यु आई वैसी सबकी आना चाहिए जीवन साथ। ना किसी से एक गिलास पानी नहीं लिया, किसी से सेवा ग्रहण नहीं की, कैसे विरक्त, बिना मम्मी के कहीं जाते नहीं थे, उस दिन ले भी नहीं गए कि जाओ अब मेरा समय, मैं जाने को तैयार। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा उदाहरण होने के बाद मन अशांत नहीं करना अपने जीवन में, मन तो शांति के साथ जियो। जो एक पिता को करना चाहिए वह अपने पुत्र के साथ करके चले गए, अब जो पुत्रों को पिता के नाम के लिए करना चाहिए ये पुत्रों का कर्तव्य और दायित्व हुआ करता है। एक माँ के साथ करना चाहिए संतान का दायित्व हुआ करता है। उन्होंने अपना सब कुछ किया, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, बस भगवान का भजन करो शांति से। सब अपने अपने किस्मत से खाएंगे, किस्मत से बनाएंगे, किस्मत से चलेंगे। ध्यान रखना यदि हम बहुत अच्छा जीवन जी सके, थोड़ी सी जिंदगी बची है उसको बहुत शांति के साथ जियो। भगवान चिंता कुछ मत करो, हमारी चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी चिंता से परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। परिस्थितियां तो सब मुकाबला करेंगे, मजबूत लोग हैं, कितनी कितनी व्याधियां आई, कितने कितने संकट आए, सब झेले ना, सब झेलने के बाद उबरते गए उबरते गए उबरते गए। ये गर्व करना चाहिए कि हमारे घर में राम लक्ष्मण जैसे पुत्रों का जन्म हुआ है। ऐसे माँ की सेवा करने वाले, माँ की आज्ञा मानने वाले,
ये जगत में सबको प्राप्त नहीं हुआ करते। बस उसका सुख भोगो जो अपने पास है, उसका सुख भोग करके जीवन को आनंद में बनाइए।